आज के समय में मोबाइल फोन्स में से जो चीज गायब है ना वो है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आज के समय में हर एक कंपनी वैसे ही फोन निकालती है, ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स निकालती है, लेकिन घुमा फिरा के एक ही चीज आती है और कुछ नई चीज आपको देखने को मिलती नहीं है। लेकिन इस जमाने ऐसा नहीं था, कुछ साल पहले तो बहुत ही कमाल के फोन आते थे और हर दूसरे फोन में एक्सपेरिमेंट बहुत देखने को मिलता था। तो सोचा इस वीडियो के अंदर उन्हीं के कुछ बारे में बात करते हैं जिन फोन्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट देखने को मिला है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा उन फोन्स की जो होते हैं आप गेमिंग के लिए। सोनी ने अपना एक्सपीरिया प्ले निकाला था जो कि बिल्कुल प्ले स्टेशन स्टाइल का एक गेमिंग फोन था। यस, गेमिंग फोन की कैटेगरी काफी अच्छी हुआ करती थी आज जैसी नहीं, जहाँ पे स्लाइडर कीपैड था और इसका आप यूज करके गेम खेल सकते थे। इवन नोकिया, याद है नोकिया ने दुनिया का पहला गेमिंग फोन निकाल दिया था जो था नोकिया एनगेज, जिसके अंदर यूज करके आप यहाँ पे गेमिंग कर सकते थे, कंट्रोल्स अच्छे थे, कार्ट्रिजेस निकालनी थी, अलग अलग कॉन्सेप्ट था। आज के जमाने जैसे गेमिंग फोन नहीं, जो नॉर्मल फोन जैसा लगता है, प्रोसेसर ज्यादा है, बस नहीं, लिटरली गेमिंग का मतलब उस जमाने में कुछ और हुआ करता था। और कई बार हमें फ्यूचरिस्टिक फोन्स के नाम पे दिखाया जाता है ना कि आपको ट्रांसपेरेंट फोन देखने को मिलेगा। वेल, सच बताऊं, सोनी जैसी कंपनी ना अपना ट्रांसपेरेंट फोन ऑलरेडी बना चुकी थी। सोनी एक्सपीरिया प्योरनेस नाम का एक फोन था जिसमें ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले लगा हुआ था, हालांकि कीपैड वाला फोन था, लेकिन आप सोच सकते कितने साल पहले इस टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑलरेडी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं, है ना, काफी इंटरेस्टिंग बात। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा मैं आपसे आज के समय में जहां फोन्स के अंदर IP67, 68 और 69 रेटिंग के बारे में बात की जाती है और फोन ड्यूरेबल है, वॉशिंग मशीन में डाल दो। लेकिन कुछ साल पहले कायोसेरा कंपनी ने अपना डिग्नो राफ्रे नाम का एक फोन बनाया था और इस फोन की खास बात ये थी, ये दुनिया का पहला वॉशेबल फोन था जिसके अंदर आप इस फोन को लिटरली धो सकते थे। और हाँ, मैं हाथ की बात नहीं कर रहा, आज से काफी पुरानी बात कर रहा हूँ। इस टाइप की टेक्नोलॉजी पहले भी मौजूद थी, आज भी कंपनीज का यूज करती है और घुमा फिरा के वही चीज को अलग नाम से आपको चिपकाती रहती है। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा मोबाइल फोन में कुछ यूनिक इनोवेशन की, जैसे कि सैमसंग के हाथ के समय में हर दूसरा फोन एक जैसा लगता है, लेकिन एक जमाने सैमसंग काफी इंटरेस्टिंग काम करती थी। सैमसंग ने एक मेगा सीरीज के फोन निकाले थे जिसके अंदर 6.8-6.9 इंच का डिस्प्ले हुआ करता था। एक बीम नाम का फोन निकालता सैमसंग गैलेक्सी बीम, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर देखने को मिलता था। प्रोजेक्टर का यूज करके आप यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे कंटेंट कंज्यूम कर ले। खैर, इस टाइप के काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट थे। और एक और काफी इंटरेस्टिंग फोन था LG का, जो कि LG G5 था, जो दुनिया का पहला मॉड्यूलर फोन बना था जिसके अंदर आप बैटरी तो बदल सकते थे, प्लस आप अलग अलग एक्सेसरीज को लगा सकते थे, एक्सटर्नल डेक को ऐड कर सकते थे और साथ ही साथ कैमरा कंट्रोल्स निकाल सकते थे। काफी इंटरेस्टिंग चीज थी। और उस फोन में ना डुअल कैमरा, तो मेन कैमरा नॉर्मल था, दूसरा कैमरा अल्ट्रा वाइड हुआ करता था। और इसी के साथ ही मोटोरोला ने भी मोटो जी सीरीज के अंदर अपने यहाँ पे मॉड्यूलर फोन्स निकाला था जिसमें मोटो जी प्ले था और मोटो मोड्स निकाले थे जहाँ पे अलग से स्पीकर था, पीछे मैग्नेटिकली अटैच कर सकते थे बैटरी पैक को, यहाँ पे तक कि प्रोजेक्टर अटैच कर सकते थे ये सारे मोटो मोड से। इवन यहाँ पे उन्होंने 5G मोटो मोड निकाला था कि जिस जमाने में 5G आया नहीं था, लेकिन मोटोरोला ने बोल दिया था कि ये हमारा फोन है और फ्यूचर में 5G का मोटो मोड लाएंगे और फोन के ऊपर इस मोड को अटैच करके अपने 4G फोन को 5G बना सकते। ये भी एक चीज थी जो यहाँ पे मोटोरोला ने ऑलरेडी करी थी। और आज के समय में इस टाइप के जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, मोटोरोला उनसे थोड़ा सा यहाँ पे दूर हो चुका है ऑलरेडी। और बात करें एक ऐसी कंपनी जो मोबाइल फोन मार्केट से टोटली आउट हो चुकी है, वो है यार असुस। असुस ने अपना एक पैड फोन यहाँ पे निकाला था जिसका कंसेप्ट ये था कि हाथ में यूज करेंगे तो मोबाइल फोन रहेगा, लेकिन एक डॉकिंग स्टेशन के अंदर रख के उससे आप एक प्रॉपर टैबलेट की तरीके से यूज कर सकते हैं। खैर, बात यही नहीं थी, यहाँ पे सोनी वायो का नाम आपने सुना है, एक्सपीरिया नहीं वायो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वायो एक लैपटॉप डिवीजन थी और उन्होंने सोचा था कि क्यों ना हम एक लैपटॉप बना दें लेकिन मोबाइल फोन फैक्टर का। वायो UX नाम से इसका निकाला गया था। ये एक अल्ट्रा पोर्टेबल कंप्यूटर था, SSD थी, यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर था, कीबोर्ड भी था, टच स्क्रीन भी थी और घुमा फिरा के बताऊं क्या किया, एक लैपटॉप को मोबाइल फोन की शक्ल दे दी थी। यस, और ऐसे ही बात करूं तो हर दूसरा विंडोज फोन, जो नोकिया के जमाने में विंडोज फोन आते थे ना, वो बहुत जबरदस्त थे। बस एक बात बोलना चाहूंगा यार, विंडोज वाली चीज चली नहीं, अगर चल जाती ना तो आज के समय में नोकिया कंपनी आज भी जिंदा रहती और बहुत तगड़े तगड़े फोन निकाल रही होती, क्योंकि इनोवेशन और बाकी सारी चीजें नोकिया उस जमाने में बहुत ज्यादा करती थी। और ऐसे ही बात करना चाहूंगा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल फोन की जो कि बहुत ज्यादा यूनिक और शायद आज के समय में भी अवेलेबल है, Fairphone की। Fairphone 5 आपको पता है, ये एक ऐसा फोन है जिसे सस्टेनेबल से बनाया गया, यानी कि फोन इस तरीके से बनाया कि इसे आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, यहाँ तक इसे रिपेयर करना भी आसान है। और आज के समय में गूगल और सैमसंग जैसी कंपनी सिर्फ 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट प्रोमिस करते हैं ना, Fairphone 8 साल के एंड्रॉइड अपडेट प्रोमिस कराए, 5 साल के वर्जन, 8 साल तक सिक्योरिटी पैच और ले लो,
इसके साथ ही इस फोन के अंदर गारंटी की आप इसे 10 साल भी यूज करना चाहे तो चला सकते हैं। आजकल इस टाइप के फोन देखने को नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मली फोन ऐसे नहीं होंगे कि आप 10 साल तक चला लो, 10 साल के लिए डिजाइन किया गया फोन नहीं, लेकिन फेयरफोन जैसी कंपनी ने इस टाइप का फोन बनाया। ऐसी बात करें डबल डिस्प्ले वाले फोन की तो आज के समय में हमें मोटरोला के अंदर सैमसंग जी फ्लिप के अंदर डबल डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन डबल डिस्प्ले का कंसेप्ट है ना YotaPhone लेकर आया था पहले, जिसके अंदर पीछे की तरफ एक ई इन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता था। इसके साथ ही बात करें तो फोल्डिंग फोन से भी पहले डुअल स्क्रीन फोन आए थे, Kyocera Echo आया था, जिसके अंदर लिटरली दो फोन को बीच में जोड़ के एक फोल्डेबल जैसे कंसेप्ट को यहाँ पर निकाला गया था। और वही बात करें तो एक्सपेरिमेंटल फोन में एक इंडियन कंपनी थी जिसने अपना सिर्फ एक ही फोन निकाला, कंसेप्ट बड़ा कूल था लेकिन इंडियन मार्केट में चला नहीं, और वो थी क्रियो। क्रियो मार्क वन एक ऐसा फोन है यार, इंडियन के फोन मार्केट के अंदर एक इंडियन स्टार्टअप ने फोन निकाला और उसका एक क्लेम था कि इस फोन के अंदर हर महीने सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे। ये उस जमाने की बात हो रही है जब मोबाइल फोन में अपडेट का प्रॉमिस कोई कंपनी करती नहीं थी, और उसने बोला हर महीने अपडेट देंगे और हर महीने अपने फोन के अंदर नए फीचर, नया लुक ले लो और हर महीने एक नया फोन यूज करो। सिंपल सा कंसेप्ट था, पहला अपडेट ही नहीं आया, बाद में कंपनी बंद हो गई और क्रियो मार्क वन एक डेड ब्रांड यहाँ पे बन गया। लेकिन आइडिया बहुत अच्छा था, आज के समय में इस आइडिया पे कोई कंपनी काम करके फोन निकालना चाहिए कि हर महीने अपडेट आएगा और हर महीने अपडेट में आपको सिक्योरिटी पैचेस नहीं, नए फीचर, नई चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। ये खेल आज भी कोई कंपनी खेलना चाहे तो खेल सकती है। तो दोस्तों यार, ये थे कुछ फोन्स जिसके बारे में बात करना चाहता था, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल फोन्स जो कि मार्केट में आए, खत्म हो गए, आज के समय में लोगों ने भूल चुके हैं। लेकिन इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, पर्सनली मेरे को लगता है कि सच में यहाँ पे जरूरत है। बाकी आप लोग किसी और एक्सपेरिमेंटल फोन के बारे में मालूम है या याद हो आपको कोई, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब किए, एक बार कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।